नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर दर्द की। सर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है जो हम सब में होती है, छोटों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, सभी में ये समस्या हो सकती है। सिर दर्द एक आम समस्या ही है। सिर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है और यह दर्द केवल एक लक्षण होता है जो कि सिर के किसी भी बीमारी को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि सर दर्द होता क्यों है। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा तनाव लेने से सिर में दर्द हो जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट होने पर भी सिर में दर्द हो जाता है और भूखे रहने पर भी सिर में दर्द हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब हम सुबह खाली पेट रहते हैं, बहुत देर बाद नाश्ता करते हैं तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर भी सिर में दर्द हो जाता है और कोई भी शारीरिक समस्या होने पर भी हमारे सिर में दर्द हो जाता है। बुखार होने पर या जुकाम होने पर भी सिर में दर्द हो जाता है और साइनस का जो दर्द है उसमें तो अक्सर सिर में दर्द ही रहता है। जिसको भी साइनस की प्रॉब्लम है उनके भी सिर में दर्द रहता ही है और उच्च रक्तचाप में भी सिर में दर्द होता है। कब्ज़ या दस्त होने पर भी हमारे सिर में दर्द हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनको भी अक्सर सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इससे छुटकारा कैसे पाएं। जब हम बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं तो एक समय होता है कि पेन किलर खाते खाते उसका असर होना ही ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जब पेन किलर खाते हैं जब तक उसका असर रहता है सिर दर्द में आराम होता है, और जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है हमारा सिर फिर से दर्द से कराह उठता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? वही बात है कि शराब का सेवन ना करें, फास्ट फूड ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसालों के जो खाने होते हैं उनसे भी हमें सिर में दर्द होता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, तेज़ मसालों के खाने, इनसे हमें परहेज करना ही चाहिए। और दवाइयों का सेवन कम से कम करना चाहिए। जब बिल्कुल ही काम ना चले, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है, कभी कभी दवाई का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें आदत नहीं डालनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उन्हीं से हम अपने दर्द को ठीक करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले जो एक चीज़ है जिसका हमें सेवन करना है वो है पानी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएं, ये बहुत असरदार होता है। हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से भी अक्सर दर्द होता है, सिर दर्द, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। और खाली पेट पानी पिएं तो बहुत अच्छा रहता है। और लौंग और नमक का पेस्ट बनाकर अपने माथे पर लीप लगाएंगे तो उससे भी हमें सिर दर्द में राहत मिलेगी। नींबू पानी पिएं, नींबू पानी हल्के से गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिएं, उससे काफ़ी राहत मिलती है। जो शराब पीने के बाद जो दर्द होता है उसमें नींबू पानी काफ़ी असरदायक होता है। गर्मी के कारण अगर आपके सिर में दर्द है तो हल्के से नारियल तेल की मसाज करें, उससे आपके सिर में आराम। और कभी कभी देखा गया है कि ज़्यादा लैपटॉप पे काम करने की वजह से भी हमारे सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए भी आप बीच बीच में काम करते हुए ब्रेक लें ताकि आपको सिर दर्द ना हो। आप लगातार किसी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ना बैठे रहें, बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें और आराम भरपूर मात्रा में करें। कभी कभी देखा गया है कि अनिद्रा की वजह से भी सिर में दर्द हो जाता है, तो आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, उससे भी आपके सिर में आराम रहेगा। और सिर दर्द का सबसे जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल। इससे बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। और सही बात है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो हम
इन छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे, और जब छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां तो हमारे पास आएंगी ही नहीं। तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो कैसा लगे बताना मुझे कमेंट्स करके, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।